पिछले लेक्चर में हमने क्रैमर रूल्स कंप्लीट किया, आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ अलग टाइप के सम से। ये प्रैक्टिस सेट 1.4 का सबसे पहला सम, पहले सम का पहला सम, बराबर ना। अब यहाँ पे इसमें फ़र्क क्या है कि अब तक जितने भी सम्स के वो नॉर्मल थे, नीचे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, नीचे डिनोमिनेटर में नंबर्स आते थे, बराबर ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स है एक्स और वाई, जो वेरिएबल्स न्यूमरेटर में हुआ करते थे। अब ये सम में न्यूमरेटर्स कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में। तो ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो आज हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ओके, फोर मार्क्स के सम्स होते कितने, फोर। तो जैसे जितने भी सम्स हो गए सब फोर मार्क्स के हो गए यहाँ पे लगभग, क्योंकि सम्स के लेंथ थोड़े बड़े हो गए यहाँ पे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम दो इक्वेशन का नाम नंबर दे देते, ये दो आपका इक्वेशन, बरोबर। अब सबसे पहला हमें, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको अलग से लिख दिया, 2 × 1/x, बरोबर। इसको इस तरीके से लिख सकते हम लोग, क्यों लिख रहे हैं मैं आपको बताता हूँ आगे आगे, ठीक है। और उसी तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/y, बराबर इक्वल टू 15। 8 को 8 × 1/x और 5/y को 5 × 1/y, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1/x, इस इक्वेशन में 1/x, यहाँ पे भी 1/y, यहाँ पे भी 1/y। तो 1/x को हम एक वेरिएबल ले सकते हैं, दूसरा वेरिएबल, और 1/y को हम एक दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। 1/x के लिए हम लोग इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे m में, और 1/y को जहाँ पे हमने m में कम सब्सटीट्यूट कर दिया, अभी 1/y को हम लोग n में सब्सटीट्यूट कर देंगे, किसमें कर देंगे, n। तो देखो आपको एक नया इक्वेशन मिल गया आपको, दो नए इक्वेशंस, ठीक है। कोई भी आप अल्फ़ाबेट यहाँ ले सकते हो अदर देन x एंड y, क्योंकि x एंड y आपका ऑलरेडी यूज हुआ है, तो x एंड y के अलावा आप कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे ले सकते हो। तो नया इक्वेशन बना आपका 2m − 3n = 15, और दूसरा आपका इक्वेशन बना 8m + 5n = 77। समझा आपको ये कैसे हुआ ये, तो इसको आपको एज इट इज ही लिखना है। वो तो मैं खाली अलग से 1/x इसलिए बता रहा कि हम बता सकें कि भाई 1/x एलिमेंट है, 1/y अलग से क्यों लिखा था कि मैं बता सकूँ कि 1/y एलिमेंट है, समझने के लिए मैंने बताया यहाँ पे। अब आपके दो इक्वेशन रेडी हो गए यहाँ पे। अब जैसे आप नॉर्मल सम करते थे स्टार्टिंग से, वैसे आप कर सकते हो सम्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एम के कोएफिशिएंट क्या है, 2 और 8, और दूसरी तरफ एन का कोएफिशिएंट क्या है आपका, 3 और 5 − 3 और 5, बराबर ना। सेम है क्या, नहीं, इक्वल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे कोएफिशिएंट को, इक्वल। अब इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8m हो जाएगा ये। तो हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। मल्टीप्लाइंग 1 by 4 वी गेट 8m − 4 = 12, 12n, बरोबर इक्वल टू 15 × 4 = 60, करेक्ट। ये आपका थर्ड इक्वेशन। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऑब्जर्व करोगे तो मालूम पड़ेगा कि आपको 8m का जो एलिमेंट्स है, 8m सेम है, 8m का कोएफिशिएंट क्या आपका, 8m कोएफिशिएंट सेम है दोनों भी, एम के कोएफिशिएंट सेम होने की वजह से, और साइन भी सेम है, साइन भी सेम होने की वजह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3 from 1, ठीक है, 3 from 2, सॉरी पहले 3 लिख दिया हमने, पहले 2 लिख दिया, अब उसमें से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करें, बराबर। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन क्या हो जाएगी आपकी, चेंज। यहाँ पे कौन सा साइन है, कुछ नहीं मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ठीक है। 8m आपका एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, 12 + 5 = 17 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 17, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, साइन किसकी, नंबर नंबर कौन सा ग्रेटर है, 77, और उसकी साइन प्लस है तो प्लस 17, समझा आपको ये। अभी n इक्वल टू 17/17 विच विल गिव यू n इक्वल टू 1, समझा आपको ये। n का वैल्यू मिल गया, अभी इस n की वैल्यू को आप 1, 2, 3 कोई भी इक्वेशन में पुट करो आपको m का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो सब्सटीट्यूटिंग n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आपका ये रहा, n की जगह पे आपको 1 पुट करना है, क्या करना है यहाँ पे, 1, n की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 1 × 1 = 15, तो 2m
माइनस थ्री इक्वल टू 15। माइनस थ्री है राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस थ्री, देयरफॉर 2m इक्वल टू 15 प्लस थ्री, तो देयरफॉर 2m इक्वल टू 18। 2 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड, तो m इक्वल टू 18 अपॉन 2 विच विल गिव यू 9। एक बार आपको मिल गया तो यहाँ पे आपका आंसर खत्म नहीं हुआ, आपने m और n की वैल्यू फाइंड की। आपको फाइंड क्या करना था, x और y, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन x इक्वल टू m लिया था ना, एंड 1 अपॉन y इक्वल टू n। तो अब हम वापस से क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट, क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो हम ये m और n की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन x इक्वल टू m, ना m कितना है अपना 9, करेक्ट, एंड 1 अपॉन y इक्वल टू n कितना है आपका 1। समझा आपको ये रीसब्स्टिट्यूट किया, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हमने लिया था 1 अपॉन x इक्वल टू m, 1 अपॉन y इक्वल टू n, इसमें हमने m और n की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट की, ये जो थी m की वैल्यू और n की वैल्यू, ये वापस इन दोनों इक्वेशन में हमने पुट की, क्योंकि क्योंकि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है हमें, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर x इक्वल टू 1 अपॉन 9 इनवर्ट एंडो, एंड y इक्वल टू 1 अपॉन 1, 1 ही होगा, है ना। तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y इक्वल टू 1 अपॉन 9, 1। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आपका वेरिएबल x और y, तो उसको हम कोई दूसरी वैल्यू ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया, उसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके, आपको उन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी m और n की। एक बार m और n की वैल्यू मिल गई तो वापस हम रीसब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझा आपको ये, ठीक है। कई बार तो सब ऐसे हो गए कि आपको दो बार साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे तो आपको जरूरत नहीं पड़ा, आपने इजीली सॉल्व कर दिया, वैल्यू पुट किया और डायरेक्टली आपको x और y की वैल्यू मिल गई। मूविंग टू नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट वन का सिक्स्थ का फर्स्ट सम, ठीक है। अभी यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल्स है, बरोबर, ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, इसको 1 अपॉन x और 1 अपॉन y अलग अलग कंसीडर करेंगे, बरोबर ना। इक्वेशन लिख दिया हमने यहाँ पे, 2 अपॉन x को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1 अपॉन x, 2 अपॉन 3y को 2 इंटू 1 अपॉन 2 अपॉन 3, हाँ 2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन y, ठीक है। खाली आपको वेरिएबल x और y को आपको अलग करना है, और यहाँ पे भी 3 अपॉन x को 3 इंटू 1 अपॉन x, और 2 अपॉन y को 2 इंटू 1 अपॉन y। अभी 1 अपॉन x, 1 अपॉन x की जगह पे क्या लोगे आप, m, सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन x इक्वल टू m, तो क्या मिलेगा आपको 2m और 3m, बराबर, और 1 अपॉन y की जगह पे क्या लेंगे n, तो आपको मिलेगा 2 अपॉन 2n अपॉन 3, 2n अपॉन 3 और 2n, बराबर मिल गया आपको। ये पहला इक्वेशन ही मैंने लिखा, दूसरा वाला नहीं लिखा, तो पहले लिखा, पहले को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले की डिनोमिनेटर में क्या था, 3 और 6, एक्स वाई तो चला गया आपका, बरोबर ना, डिनोमिनेटर से x और y चला गया, बट अभी भी 3 और 6 बचा हुआ है। तो अगर कम्प्लीटली अगर नीचे से डिनोमिनेटर से नंबर हटाना है, तो इसे इक्वेशन को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से आपका डिनोमिनेटर कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। तो 6 इंटू 2m प्लस 6 इंटू 2 अपॉन 3n इक्वल टू 6 इंटू 1 अपॉन 6, बराबर। 6 टू जा नहीं, पहले 3 कट कर, 3 वन जा 3, 2 जा 6, 1 जा 6, 1 जा, अब 6 टू जा 12m प्लस 2 टू जा 4n इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब ये हम लिख देंगे 3m प्लस 2n इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अभी m और n इनका कोई कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं, m का कोएफिशिएंट क्या है 12 और 3, n का कोएफिशिएंट 4 और 2, सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये 4 हो जाएगा ना, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12m हो जाएगा। तो आप 2 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपका n एलिमिनेट होगा, और 4 से मल्टीप्लाई करने पे आपका m एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो आप कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर राइट आएगा एट द एंड, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग 2 बाय 2 वी गेट
हम एन को सेम कर रहे हैं यहाँ पे, थ्री टू जा सिक्स एम प्लस टू टू जा फोर एन, बरबर टू जा फोर और एन इक्वल टू टू जीरो जा जीरो, बरबर ये आपका थर्ड इक्वेशन। अब आपका इक्वेशन नंबर वन और थ्री में एन का कोएफिशिएंट सेम है, बरबर साइन भी क्या आपकी सेम है, तो आप क्या करोगे सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम थ्री फ्रॉम वन, ठीक है तो थ्री लिख दिया सॉरी वन लिख दिया, उसमें से हम थ्री को क्या कर रहे हैं अभी सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे साइन क्या होगी चेंज, प्लस है दो माइनस, प्लस है दो माइनस और प्लस है दो माइनस, प्लस माइनस पहला टर्म प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा सिक्स एम साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बरोबर ये तो एलिमिनेट हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर अगेन पॉजिटिव ही आएगा पॉजिटिव वन, बरोबर तो एम इक्वल टू वन अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई था नंबर और वेरिएबल साथ में मैं, तो इसका मतलब क्या था वो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वन अपॉन सिक्स सब्सटीट्यूटिंग एम इक्वल टू वन अपॉन सिक्स इन इक्वेशन वन टू थ्री, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, हम इक्वेशन वन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है तो जहाँ पे एम है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे वन अपॉन सिक्स, ट्वेल्व एम की जगह पे वन अपॉन सिक्स प्लस फोर एन इक्वल टू वन, सिक्स वन जा सिक्स टू जा ठीक है सिक्स टू जा ट्वेल्व, बराबर ना टू हो गया टू प्लस फोर एन इक्वल टू वन, तो फोर एन इक्वल टू वन प्लस था ना राइट हैंड साइड में आ गया तो माइनस टू, देयरफॉर फोर एन इक्वल टू माइनस वन, देयरफॉर एन इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर, बराबर एम और एन का वैल्यू मिल गया आपको यहाँ पे, एम और एन का वैल्यू मिलने के बाद में हम क्या करेंगे रीसब्स्टिट्यूट, क्या करेंगे कौन से इक्वेशन में ये इक्वेशन में, बराबर ना जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है वन अपॉन एक्स इक्वल टू एम और वन अपॉन वाई इक्वल टू एन, इस इक्वेशन में हम लोग एम और एन की वैल्यू पुट करेंगे, मैंने साइड में एम और एन की वैल्यू लिख दी है, रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एम एंड एन वी गेट वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन अपॉन सिक्स एंड वन अपॉन वाई इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर, ठीक है इन्वर्ट एंडो एक्स इक्वल टू सिक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस फोर, ओके तो अब हम क्या करेंगे फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज एक्स कॉमा वाई सिक्स कॉमा माइनस फोर, समझा आपको ये सब, ठीक है फोर फोर मार्क्स के सम से सब। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट वन का सिक्स का सेकेंड सम, ओके अभी सम थोड़ा अलग लग रहा है आपको ये, अब वन अपॉन टू एक्स प्लस वन कॉमन है डिनोमीटर में और वाई प्लस टू कॉमन है डिनोमीटर में, तो पूरे को टू एक्स प्लस वन को एम लेना पड़ेगा और वाई प्लस थ्री को एन लेना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं सेवन इंटू वन अपॉन टू एक्स प्लस वन, इसको लिख सकते हैं थर्टीन इंटू वन अपॉन वाई प्लस थ्री, इसको लिख सकते हैं हम लोग थर्टीन इंटू वन अपॉन टू एक्स प्लस वन और सेवन इंटू वन अपॉन वाई प्लस टू, बराबर अभी वन अपॉन टू एक्स प्लस वन को क्या ले लेंगे हम लोग एम, सब्स्टिट्यूटिंग वन अपॉन टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एम, तो ये मिलेगी आपको सेवन एम और ये हो जाएगा आपका थर्टीन एम, और एंड वन अपॉन वाई प्लस टू इक्वल टू एन, बराबर तो सब्स्टिट्यूट करने पे आपको दोनों दो नए इक्वेशंस मिल जाएंगे आपको, पहला इक्वेशन 7m प्लस 13n इक्वल टू 27 इक्वेशन नंबर वन, और दूसरा 13m प्लस 7n इक्वल टू 33 ये आपका दूसरा इक्वेशन, बरोबर अभी आप अगर देखोगे तो इसको ASA मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बरोबर ना कौन से मेथड से ASA, क्योंकि m और n का कोएफिशिएंट देखो सेम है, पहले इक्वेशन में जो m का कोएफिशिएंट है दूसरे इक्वेशन में वही n का कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे भी दूसरी तरफ भी ऐसे ही है, पहले इक्वेशन में जो n का कोएफिशिएंट है वही दूसरे इक्वेशन में m का है, तो हम ऐड करेंगे 1 और 2 ASA मेथड अडॉप्ट करेंगे, कौन सा हम लोग ASA, तो एडिंग 1 एंड 2 ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा 1 लिख दिया 2 लिख दिया ऐड करेंगे 20m प्लस 20n इक्वल टू 30 60 बराबर 60, अभी डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 20, जिन भी नंबर 20 से डिविजिबल है डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 20, देयरफॉर m प्लस n इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 3।
दोनों इक्वेशंस को ऐड करके आपको एक नया इक्वेशन मिला, इसको इक्वेशन नंबर 3। और पहले दो इक्वेशन को अभी हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। क्या करेंगे, ए एस ए मेथड है ना, एडिशन तो हो गया आपका, अभी अगली बार ये सब्ट्रैक्शन की है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो पहले हमने 1 लिख दिया और उसमें से अभी हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बरोबर। तो सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे साइन क्या हो जाएगी, चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो 7 में से 13 क्या तो 6, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 6m, प्लस माइनस माइनस 6m, प्लस 6m, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 13n बड़ा था हमारा, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 6, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 6। फिर नेक्स्ट स्टेप पे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 6 माइनस 6 इनफैक्ट, तो ये हो गया आपका m प्लस माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू माइनस 6 से करेंगे तो 1। आप 6 से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर राइट आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे माइनस 6 से डिवाइड किया है ताकि थोड़ा नंबर सिंपल फॉर्म में हो, ठीक है। आप चाहे तो 6 से भी डिवाइड कर सकते हो। एक बार हमने ऐड करके नया इक्वेशन फाइंड आउट कर दिया, एक बार हमने सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके नया इक्वेशन फाइंड कर दिया। तो अभी जो नया इक्वेशन है 3 और 4, इन दोनों को क्या करेंगे वापस ऐड, ये ए ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, एडिंग 3 एंड 4, 3 और 4 दोनों लिख दिया। अभी एम एन एन क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा, बरोबर, एक प्लस एक माइनस है। एम क्या होगा, 2m, 2m इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू 4 अपॉन 2 विच विल गिव यू 2, तो m का वैल्यू मिल गया आपको 2। अब इस 2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1, 2, 3, 4 जिसमें चाहिए हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बरोबर ना। m को सब्स्टिट्यूट करके क्या मिलेगा आपको, n, सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 में हम सब्स्टिट्यूट करने आ रहे हैं, किसमें, 3 में। आप कोई भी इक्वेशन में पुट करो आंसर राइट आएगा, हम यहाँ पे 3 में सब्स्टिट्यूट करें क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन ईजी है। तो 2 प्लस एन इक्वल टू 3, देयरफॉर एन इक्वल टू 3 माइनस 2, देयरफॉर एन इक्वल टू 1। एम और एन का वैल्यू मिल गया, अब एम और एन की वैल्यू हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट, ठीक है, किसमें, यहाँ पे जो लिखा था सब्स्टिट्यूट वाला पॉइंट उसमें, ठीक है, यहाँ पे हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वापस, ठीक है। एम और एन को साइड में लिख देते हैं हम लोग एक बार ताकि सब्स्टिट्यूट के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एम एंड एन वी गेट 1 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू एम की जगह पे 2 एंड 1 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू 1, ठीक है, किया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई या इन्वर्ट एंडो भी कर सकते हैं, जैसा भी इन्वर्ट एंडो करें यहाँ पे, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है, एंड y प्लस 2 इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1 ही होता ना, 1 अपॉन 1 नहीं लिख रहे हम, 1 अपॉन 1 ही होगा तो 1 ही लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको किसी भी एक को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना, नहीं, वाई का वैल्यू भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा सॉल्व करके फर्दर, और एक्स का वैल्यू भी आपको सॉल्व करके वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय क्या कर रहे हैं, 2, इस इक्वेशन को, एक मिनट, इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2 कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, बरूबर ना। 4x प्लस 2 इक्वल टू 1, क्या किया हमने, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2, क्यों किया, डिनोमिनेटर को हटाने के लिए। अब एंड यहाँ पे y इक्वल टू 1 प्लस 2 था उधर जाएगा तो माइनस 2, देयरफॉर 4x इक्वल टू 1 प्लस 2 है राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 2 एंड y इक्वल टू माइनस 1, ये तो सॉल्व करके कितना आया माइनस 1, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बरोबर ना, 2 बड़ा नंबर था उसका साइन माइनस था तो माइनस 1, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, करेक्ट, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर अगेन माइनस 1, माइनस 1, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4, तो ये आपका फाइनल आंसर। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x कॉमा y माइनस 1 अपॉन 4 कॉमा माइनस 1, समझा ये सब आपको, नेक्स्ट सम, थर्ड सम,
ठीक है। अब तक से हम जितने भी किए थे ना, वहाँ पे क्या था, नीचे x था, y था, x प्लस वाई था, बट यहाँ पे अभी क्या आया, x इंटू वाई, क्या आया, x इंटू वाई। पहला सम ऐसा यहाँ पे डिनोमिनेटर में x और y साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेट्स से इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला लिख दिया ये इक्वेशन, इसको हमने दिया नंबर वन, सेकेंड लिख दिया, उसको दिया हमने नंबर टू, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन वन एंड टू बाय एक्स एंड वाई, एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका जो डिनोमिनेटर में एक्स वाई है साथ में वो एलिमिनेट हो जाएगा, और न्यूमरेटर में आपको एक्स और वाई वैल्यू मिल जाएगा खाली, बरोबर ना। कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बरोबर, पहले इक्वेशन में पहले टर्म्स को हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे एक्स और एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, क्या मिलेगा 148y, क्या मिलेगा 148y, लिख दिया हमने। अब सेकंड टर्म को हम लोग एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वाई वाई कट हो जाएगा प्लस 231x, बरोबर, यहाँ पे एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों भी कट हो जाएगा 527, ये इक्वेशन नंबर थ्री। थ्री अभी नहीं देखे, पहले इसको अरेंज करते, पहले हम x लिखते हैं, बाद में हम y लिखते हैं, तो 231x प्लस 184y इक्वल टू 527। यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि आप इक्वल टू के सेम लेफ्ट हैंड साइड में आप वेरिएबल्स को आगे पीछे लिख रहे हो, तो साइन चेंज नहीं होगा। जब भी आप इक्वल टू को क्रॉस करते हो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तब साइन चेंज होता है। यहाँ पे आप खाली अगर सेम साइड पे अगर वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर रहे हो तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, समझा आपको ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन को भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें तो एक्स एक्स कट, तो क्या आएगा ये 231y प्लस यहाँ पे वाई वाई कट, बरोबर ना, तो क्या होगा 148x, और यहाँ पे x और y दोनों भी कट हो जाएगा, तो बचेगा 610, ओके। इसको भी रीअरेंज करेंगे, पहले x लिखेंगे बाद में y इक्वल टू 610, ये इक्वेशन नंबर फोर। अब इक्वेशन, हाँ ए एस से मेथड, करेक्ट। इक्वेशन थ्री और फोर को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्लिक होगा कि ये मेथड को आपको ए एस ए मेथड, इस समय आपको ए एस ए मेथड अडॉप्ट करना है, कौन सा, ए एस ए, तो एडिंग थ्री एंड फोर, थ्री लिख दिया, फोर लिख दिया, ऐड करेंगे कितना होगा ये, पहले ऐड करने पे मिलेगा आपको 379, कितना 379x प्लस 379y इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1137, ठीक है। अभी डोंट वरी, ये 1137 379 की टेबल में आएगा, नंबर ऐसे देते कि वो 379 की टेबल में आए, कितने से आएगा वही देखना आपको, 3 से आएगा, बरोबर ना, डिवाइडिंग थ्रू बाय 379x प्लस y इक्वल टू 3, करेक्ट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। अभी 1 और 2 को, नहीं सॉरी 3 और 4 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, तो पहले इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे, लिख दिया 3, अब उसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, सॉल्व करेंगे एलिमिनेट हो जाएगा ये, नहीं एलिमिनेट नहीं होगा, माइनस करेंगे, माइनस करने पे कितना होगा 83, कितना 83x प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 83y, साइन किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि 231 बड़ा है ना, माइनस 83y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 83, बराबर ना, माइनस 83, 610 बड़ा था उसकी साइन माइनस थी, तो माइनस 83 डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 83, देयरफॉर x माइनस y इक्वल टू माइनस 1, मिल गया आपको ये इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 दोनों को क्या करेंगे, ऐड, ए एस ए मेथड आपका इस तरीके से कंप्लीट होगा, है ना, ऐड कर दे इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, तो y क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट 2x इक्वल टू 2, बराबर, देयरफॉर x इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 1, x इक्वल टू 1, मिल गया x का वैल्यू। अब आप x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 जिसमें चाहिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 1 2 में तो करोगे नहीं, ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
थ्री और फोर में भी नंबर बहुत है, फिफ्थ और सिक्स इन दोनों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, इन दोनों में से कोई एक में सब्स्टिट्यूट। तो हम अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर फाइव, तो क्या मिलेगा हमें, वन प्लस y इक्वल टू थ्री, देयरफॉर y इक्वल टू थ्री माइनस वन, देयरफॉर y इक्वल टू टू, लास्ट में आपका फाइनल आंसर। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज वन कॉमा टू, वन कॉमा टू, समझा आपको ये। नेक्स्ट 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू फाइव और 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। लिख दिया हमने ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, बरोबर ना, तो हम एक्स वाई को क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, कॉमन है ना, अगर आप देखोगे x और y आपका कॉमन है, तो हम ये डिनोमिनेटर को दोनों को शिफ्ट कर सकते हैं, 7x के नीचे भी xy लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 2y के नीचे भी लिख सकते हैं। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर कॉमन होगा, आप डिनोमिनेटर को जितने भी टर्म्स है ऊपर हर टर्म्स को वो डिनोमिनेटर यूज कर सकते हो, हर टर्म्स के लिए वो डिनोमिनेटर को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर था आपका एक्स वाई, बरोबर, तो हमने एक्स वाई इसके नीचे भी यूज किया और एक्स वाई सेकेंड टर्म के नीचे भी यूज किया, बरोबर, इक्वल टू फाइव, ओके। यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्स कट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये सेवन अपॉन वाई, यहाँ पे वाई वाई कट हो जाएगा, माइनस टू अपॉन एक्स इक्वल टू फाइव, ठीक है, डेट इज माइनस टू एक्स, अभी पहले एक्स को लिखेंगे हम लोग, बरोबर ना, माइनस टू एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू फाइव, खाली हमने रीअरेंज किया, सेम साइड में रीअरेंज किया, चलिए साइन चेंज नहीं हुआ, एक्स का साथ में माइनस साइन था तो माइनस पुट किया हमने, और वाई के वहाँ पे आगे प्लस था तो हमने प्लस पुट कर दिया, साइन में कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। अब इसको दे दिया नंबर वन, ठीक, उसी तरीके से दूसरे को भी सिंप्लीफाई करेंगे, दूसरा लिख दिया, अभी एक्स वाई कॉमन है तो पहले टर्म के नीचे भी एक्स वाई लिखेंगे, करेक्ट, और दूसरे टर्म के भी नीचे क्या लिखेंगे, एक्स वाई, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया आपने, स्प्लिटिंग के बाद में आपका एक्स एक्स कट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये एट अपॉन वाई प्लस वाई वाई कट सेवन अपॉन एक्स इक्वल टू 15, ओके। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन, नहीं, डेट इज सेवन अपॉन एक्स प्लस एट अपॉन वाई इक्वल टू 15, साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि हम इसको सेम साइड में लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं, जस्ट रीअरेंज कर रहे हैं, तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू। अब आप वो वन अपॉन एक्स और वन अपॉन वाई को क्या लेना पड़ेगा आपको, एम और एन, वन अपॉन एक्स को ले लेंगे एम, बरोबर, इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं, माइनस टू इंटू वन अपॉन एक्स, सेवन इंटू वन अपॉन वाई, नीचे सेवन इंटू वन अपॉन एक्स, एट इंटू वन अपॉन वाई, वन अपॉन एक्स की जगह पे एम और वन अपॉन वाई की जगह पे एन, तो अभी आपके नए इक्वेशन हो जाएंगे टू एम, टू एम माइनस टू एम, माइनस टू एम प्लस सेवन एन इक्वल टू फाइव, इक्वेशन नंबर थ्री, और सेवन एम प्लस एट एन इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर फोर। ये दो इक्वेशन, नए इक्वेशन आपके सामने रेडी हो गए, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अगर आप अभी यहाँ पे भी देखोगे तो कोएफिशिएंट सेम है क्या, एम का कोएफिशिएंट माइनस टू और सेवन, एन का कोएफिशिएंट सेवन और एट, सेम है नहीं, तो सिंपली एक बार मल्टीप्लाई करके सेम कर सकते हैं क्या, आपको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हमें कौन से वेरिएबल को सेम बनाना है, वेरिएबल कोएफिशिएंट को सेम बनाना है वो डिसाइड करना है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री बाय सेवन, हम सेवन इक्वेशन थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई करें, यानी कि एम के कोएफिशिएंट से, बरूबर ना, एम के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, यानी कि हम एम सेम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर थ्री को सेवन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 14m प्लस 77 जा 49, 49n इक्वल टू 75 जा 35, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अभी इससे, क्योंकि हमने इसे 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 एंड 4 बाय 2 वी गेट
14m प्लस 16n इक्वल टू 30। समझा, इक्वेशन नंबर 6। तो 5 और 6 नए इक्वेशन मिल गए। अभी m के कोएफिशिएंट क्या हो गए, n के तो अलग अलग है बट m के सेम है, ये रॉन्गली सर्कल कर दिया। m के कोएफिशिएंट आपके सेम है, साइन अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, ऐड दोनों इक्वेशन 5 और 6 को क्या करोगे, ऐड, एडिंग इक्वेशन नंबर 5n6। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, 5n6 इक्वेशन 5 और 6, करेक्ट। दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड। तो इक्वेशन नंबर 5 को ऐड करते, पहला 5 को लिख दिया हमने, उसके बाद में 6 को, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पे m 14m क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, 49n प्लस 16n कितना हो जाएगा आपका, 65n इक्वल टू 65। तो n का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1, मिल गया आपको n 1। अभी इस n इक्वल टू 1 को आप इक्वेशन नंबर कहाँ से, 5 या 6 किसे में पुट कर सकते हो, तो हम इसको करेंगे सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4। 5 6 में भी कर सकते हो, हम यहाँ पे 4 में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं 4, ठीक है। कोई भी इक्वेशन में आप पुट करो जहाँ पे m और n है, ठीक है। तो हमने 4 लिख दिया, n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1, करेक्ट, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 7m प्लस 8 इक्वल टू 15। देखो 7m इक्वल टू 15 प्लस था, वहाँ पे क्या था, राइट हैंड साइड में क्या था, माइनस 8, 7m इक्वल टू 7, देयरफॉर m इक्वल टू 7 अपॉन 7 विच विल गिव यू 1। m और n का वैल्यू मिल गया, खत्म नहीं हुआ तक, आपको x और y फाइंड करना था, अभी तक क्या फाइंड किया आपने, m और n। अब आप करोगे री सब्स्टिट्यूट, बरोबर ना, क्या करोगे, री सब्स्टिट्यूट, m और n को साइड में लिख दिया। री सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n वी गेट 1 अपॉन x इक्वल टू 1 एंड 1 अपॉन y इक्वल टू 1। इन्वर्ट एंड अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1 1 ही होता है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x कॉमा y 1 कॉमा 1। समझा आपको ये सम, नेक्स्ट सम प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, सेकंड सब क्वेश्चन 5 मार्क्स का सम, दोनों लिख दिया हमने, नीचे x प्लस y है, बरोबर ना, दोनों भी इक्वेशन में x प्लस y, x प्लस y, x माइनस y और x माइनस y, तो हम क्या लेंगे, पहला उसको हम लोग अलग से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अलग से, ताकि आपको समझ में आए। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 10 इंटू x 1 अपॉन x प्लस y, इसको 2 इंटू 1 अपॉन x माइनस y, करेक्ट, इसको और इसे और वन अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पे क्या लेंगे, बी, करेक्ट। तो आपको नए इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पे, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 और 15a माइनस 5b इक्वल टू माइनस 2 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट, a के कोएफिशिएंट क्या है, 10 और 15, बराबर, और b के 2 और 5, सेम है क्या कोएफिशिएंट, नहीं, तो हमें सेम करना पड़ेगा और भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कितने बार, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपके कोएफिशिएंट सेम होगी। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, हम इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि 5 आपका इक्वेशन नंबर 2 में बी का वैल्यू है, बी का कोएफिशिएंट है, यानी कि हम बी को सेम करने की कोशिश करें, क्या करें, बी को सेम करेंगे और बी को एलिमिनेट करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, तो क्या मिलेगा, सॉरी 1 बाय 5 क्या मिलेगा अपने को, 50a प्लस 10b इक्वल टू 20, बरोबर, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है, क्योंकि b को सेम करना है ना, 2 बाय 2, 30a माइनस 10b इक्वल टू माइनस 4, ये इक्वेशन नंबर 4, करेक्ट। अब आपका b का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है,
साइन अलग अलग है, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 लिख दिया 4 लिख दिया, ऐड करने पे 10 भी 10 भी एलिमिनेट, 50a + 30a 80a इक्वल टू 20 - 4 16, करेक्ट। तो a इक्वल टू 16/80 कट होगा, हाँ 16 1 16 5 16 1 16 5 a इक्वल टू 1/5। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, किसे पुट करो, 1 2 में पुट करने ज़्यादा बेटर है, तो हम a इक्वल टू 1/5 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, a की जगह पे क्या लिखेंगे 1/5, 10 × 1/5 +2b = 4, 5 1 = 5, 2 = 4, तो 2 + 2b = 4, therefore 2b = 4 - 2, therefore 2b = 2 and therefore b = 2/2 which will give you 1, therefore b = 1। समझा, a और b का वैल्यू आपको मिल गया। अब इसे हम रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, रिसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, क्या ना चाहिए यहाँ पे a एंड b, m और n लिखा है, a और b करना पड़ेगा। ओके तो करेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे a और b, तो क्या मिलेगा 1/x + y = 1/5, a का वैल्यू 1/5 था, एंड 1/x - y = 1, करेक्ट। अब इन्वर्ट एंड अप्लाई करेंगे, तो x + y = 5 एंड x - y = 1, ठीक है। डायरेक्टली आपको दो नए इक्वेशन मिले, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बट सिंपली ऐड करके आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि y का कोएफिशिएंट सेम भी है और साइन अलग अलग है, तो आप क्या कर दो इन दोनों को ऐड, एडिंग 5 एंड 6, ऐड करने पे क्या हो गया y एलिमिनेट, 2x = 6, तो x = 6/2 विच विल गिव यू 3, ठीक है। अब x = 3 को आप सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन नंबर 5 और 6 में से किसी एक में, हम यहाँ पे 5 में पुट कर रहे हैं, तो 3 + y = 5, देयरफॉर y = 5 - 3, देयरफॉर y = 2, ठीक है। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y = 3, 2, समझा आपको ये। ओके नेक्स्ट सम, थर्ड सम, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x - 2y को एक नया वेरिएबल देंगे और x + 3y को एक नया वेरिएबल देंगे, बरोबर ना। पहले हम अलग तरीके से लिख रहे हैं इसको, अलग करके, ताकि आपको समझ में आए। 1/x - 2 को क्या लेंगे हम लोग, a, यहाँ पे क्या लिया, m लिया, m, ठीक है। और 1/y + 3 को n, ठीक है। तो मुझे दो इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पे, 27m + 31n = 85 और 31m + 27n = 89, ASA मेथड, बरोबर ना, एकदम देख के क्लिक हो जाता भी, तो ASA, ठीक है। तो थोड़ा क्विक करते हैं हम लोग फटाफट, एडिंग 1 एंड 2, 1 को लिख दिया, 2 को लिख दिया, ऐड करने पे आपको मिलेगा 58m + 58n = 174, बरोबर, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 58, therefore m + n = 3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3। अब 1 और 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एलिमिनेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना होगा प्लस माइनस, माइनस कितना हुआ, -4m, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ना, 31 ग्रेटर था, तो -4m प्लस माइनस माइनस, प्लस 4n इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, कितना -4, करेक्ट, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -4, आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, -4 से भी डिवाइड कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम -4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो m माइनस n, साइन चेंज हो रहे हो, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे साइन चेंज, डिवाइड के टाइम पे एक प्लस एक माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया माइनस, एन इक्वल टू 1 = 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को क्या करेंगे, ऐड, बराबर, एडिंग 3 एंड 4, 3 एंड 4 को ऐड करने पे आपका n एलिमिनेट हो जाएगा,
टू एम इक्वल टू फोर, एम इक्वल टू फोर अपॉन टू विच विल गिव यू टू, तो एम का वैल्यू मिल गया आपको टू. सब्स्टिट्यूटिंग एम इक्वल टू टू इन इक्वेशन थ्री, इन इक्वेशन थ्री, तो थ्री में एम की जगह पे क्या लिखेंगे टू, टू प्लस एन इक्वल टू थ्री, तो एन इक्वल टू थ्री माइनस टू, एन इक्वल टू वन. समझा आपको, एम और एन का वैल्यू मिल गया आपको, एम और एन का वैल्यू मिल गया. अब ये एम और एन की वैल्यू को क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट. ठीक है, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एम प्लस एम एंड एन, वी गेट वन अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू टू एंड वन अपॉन वाई प्लस थ्री इक्वल टू वन. इन्वर्ट एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन अपॉन टू, करेक्ट, एंड वाई प्लस थ्री इक्वल टू वन, करेक्ट, एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू माइनस टू, द राइट हैंड साइड में जा दो प्लस टू, एंड वाई इक्वल टू वन माइनस थ्री. देयरफॉर एक्स इक्वल टू, सॉल्व करिए तो कितना होगा स्टूडेंट्स, वन प्लस वन प्लस टू टू जा फोर, वन प्लस फोर अपॉन टू वन जा टू, वन प्लस फोर अपॉन टू, एंड वाई इक्वल टू माइनस टू. देयरफॉर एक्स इक्वल टू सिक्स फाइव अपॉन टू एंड वाई इक्वल टू माइनस टू, ये आपका फाइनल आंसर. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिमल्टेनियस इक्वेशन इज एक्स कॉमा वाई माइनस फाइव अपॉन टू कॉमा माइनस टू. डन. ओके, नेक्स्ट सम, फोर्थ सम. यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है फोर, सबसे पहले नंबर को एलिमिनेट करते हैं मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय फोर, तो क्या मिलेगा आपको, फोर इंटू वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई प्लस फोर इंटू वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री अपॉन फोर इंटू फोर. ठीक है, फोर फोर कट, तो आपको मिलेगा फोर अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री. इक्वेशन नंबर वन दे दिया इसको हमने. ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन. यहाँ पे क्या है डिनोमीटर में, एट है, इसको भी एट को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, टू और एट दो नंबर है बरोबर ना, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय एट, एट बड़ा तो एट से मल्टीप्लाई करने पे सब नंबर एलिमिनेट हो जाएंगे, तो एट इंटू वन अपॉन टू थ्री एक्स प्लस वाई प्लस सॉरी माइनस, क्या आया माइनस, माइनस एट क्यों आया यहाँ पे, माइनस नहीं प्लस साइन आना चाहिए, क्या आना चाहिए प्लस, प्लस एट इंटू वन अपॉन टू एक्स प्लस टू एक्स टू इंटू थ्री एक्स माइनस वाई. ओके एक मिनट, क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमने ये गलत किया है ना, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस. ओके, हमने करेक्शन कर लिया, यहाँ पे प्लस लिखा था तो माइनस था एक्चुअली, तो माइनस लिख दिया यहाँ पे बरोबर, तो माइनस एट इंटू वन अपॉन टू थ्री एक्स माइनस वाई. ओके, यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए ना. ओके, तो दोनों भी साइड में करेक्शन हमने कर दिया, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था माइनस आना चाहिए, दोनों साइड में हमने माइनस माइनस कर दिया बरोबर, माइनस एट इंटू वन अपॉन टू थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन अपॉन एट इंटू एट. अब सॉल्व करेंगे, टू वन जा टू फोर जा टू वन जा टू फोर जा एट और एट कैंसल, देयरफॉर फोर अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फोर अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन आना चाहिए वहां पे है ना. ओके डन, तो माइनस वन ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया टू. इक्वेशन नंबर वन और टू मिल गया आपको, अब आप क्या करोगे आगे, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई को ए कंसिडर करोगे और वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई को बी कंसिडर करोगे, तो अकॉर्डिंगली इक्वेशन नंबर वन में देखो ये क्या हो जाएगा आपका फोर फोर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका फोर ए और ये प्लस फोर बी इक्वल टू थ्री. इक्वेशन वन में चेंजेस किया, अब इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू में चेंजेस करेंगे, ये हो गया फोर ए माइनस फोर बी इक्वल टू माइनस वन,
और दोनों को हमने नए इक्वेशन नंबर दे दिए 3 और 4। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर 3 और 4 को ऐड करोगे तो आपका बी एलिमिनेट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा एलिमिनेट। तो एडिंग 3 और 4, 3 लिख दिया 4 लिख दिया, 4b एलिमिनेट, 4a + 4a 8a, 8a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 upon a 8, क्या अब इसको हम जी सब्स्टिट्यूट करेंगे, नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें 3 या 4 में, अच्छा मैं सिंप्लीफाई किया 1 upon 4। अभी हम इसे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 1 upon 4 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 लिख देते हैं, वहां पे a की जगह पे 1 upon 4, 4 और 4 कैंसिल, बराबर 4 और 4 क्या हो जाएगा कैंसिल ना, तो 1 + 4b = 3, देयरफॉर 4b = 3 -1, देयरफॉर 4b = 2, देयरफॉर b = 2/4। सिंप्लीफाई करने पे 1/2, a का वैल्यू और b का वैल्यू मिल गया। अब इसे हम क्या करेंगे रीसब्स्टिट्यूट, रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b वी गेट 1/3x + y = 1/4 एंड 1/3x - y = 1/2। इन्वर्ट एंडो, 3x + y = 4 एंड 3x - y = 2, दोनों को इक्वेशन नए इक्वेशन नंबर दे दिए। अब इन दोनों को ऐड करने पे आपको y एलिमेंट हो जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को ऐड करने पे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट सेम है 1 1, साइन अलग अलग है, एडिंग 5 और 6, ऐड करने पे आपका y एलिमिनेट 3 + 3 6, 6x = 6, x = 6/6 which will give you 1, x = 1। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग x = 1 इन इक्वेशन 5 या 6, कोई भी इक्वेशन में आप पुट करो इन इक्वेशन 5, तो 3 × 1 + y = 4, देयरफॉर 3 + y = 4, देयरफॉर y = 4 -3, देयरफॉर y = 1। मिल गया आपको x और y, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y, 1, 1। ओके, फिफ्थ सम, ठीक है, पहला इक्वेशन लिख दिया, डिनोमिनेटर में क्या है 4, 2 और 5, बराबर एलिमिनेट करना है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे तीनों भी नंबर एलिमिनेट हो गए, 2, 5 और 4, तीनों भी नंबर का एलिमिनेट करना है, कौन सा टेबल है जो सब 20, तीनों भी 20 की टेबल में आते हैं, 2 10 से 20, 5 4 से 20 एंड 4 5 से 20, इसलिए हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया हमने 20 से क्यों किया, क्योंकि नीचे के सारे नंबर को एलिमिनेट करना है एक साथ में, ठीक है ना, 20 से मल्टीप्लाई करने के नीचे के सारे के नंबर क्या हो जाएंगे एलिमिनेट, तो 20 × 1/2 (3x + 4y) + 20 × 1/5 (2x - 3y) = 1/4 × 20, कैंसिलेशन करेंगे अभी, 2 1 जा 2 10 जा 5 1 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 5 जा, ठीक है, देयरफॉर 10 upon 3x + 4y 4 upon 2x - 3y एंड इक्वल टू 5, करेक्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 ही है, तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2, डिनोमिनेटर में एक ही नंबर था तो उसको हम मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपको 2 × 5 upon 3x + 4y -2 × 2 upon 2x - 3y (-3/2)/2, तो 2 2 कट 5 2 जा 10, 10 upon 3x + 4y -2 2 जा 4, 4 upon 2x - 3y (-3)। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 में, ठीक है ना, 1 upon 3x + 4y कॉमन था और 1 upon 2x - 3y कॉमन था, तो उसके जगह पे हम a और b को क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट, क्या कर देंगे
सब्सटीट्यूट, देखो 10 है पहले इक्वेशन में चेंजेस करें, 10 है प्लस 4b इक्वल टू 5, और दूसरे इक्वेशन में 10 a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 3, बराबर। अब इन दोनों को ऐड करने पे आपको b 4b 4b एलिमिनेट हो जाएगा आपका, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या करेंगे अभी, ऐड, एडिंग 3 एंड 4, पहला इक्वेशन 3 फिर 4, ऐड करने पे 4b 4b एलिमिनेट, 10a प्लस 10a 20a 20a इक्वल टू 5 माइनस 3 2, तो a का वैल्यू कितना मिला 20 अपॉन 2 व्हिच विल गिव यू 1 अपॉन 10। अब इस a इक्वल टू 1 अपॉन 10 को इक्वेशन नंबर 3 या 4 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 1 अपॉन 10 इन इक्वेशन 3, तो 3 इक्वेशन में हमने थर्ड इक्वेशन में a के जगह पे 1 अपॉन 10 लिख दिया, 10 10 कट 1 प्लस 4b इक्वल टू 5, देयरफॉर 4b इक्वल टू 5 माइनस 1, therefore 4b equal to 4, therefore b equal to 4 upon 4 which will give you 1। a और b का वैल्यू मिलने के बाद में क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट, क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b वी गेट 1 upon 3x plus 4y equal to 1 upon 10 and 1 upon 2x minus 3y equal to 1, ठीक है, इनवर्ट एंडो 3x plus 4y equal to 10 and 2x minus 3y equal to 1, ठीक है। अब डायरेक्ट एलिमिनेट होगा क्या, नहीं, ये ऐसे नहीं है ये भी, ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने बार, दो बार, इक्वेशन 5 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 6 को भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि x के कोएफिशिएंट सेम नहीं है और y के भी सेम नहीं है, और किसी एक कोएफिशिएंट को सिंपली मल्टीप्लाई करके सेम कर भी नहीं सकते, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय 3, 5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3, यानी कि हम y को सेम करने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर ना, इक्वेशन 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 12y इक्वल टू 30, तो इक्वेशन 5 को हमने 3 से किया, तो इक्वेशन 6 को हम लोग 4 से करेंगे, किससे करेंगे, 4, यानी इक्वेशन 6 बाय 4, तो ये 8x माइनस 12y इक्वल टू 4, अब देखो 12y 12y सेम हो गया, कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट सेम है, साइन अलग अलग है, ऐड, एडिंग इक्वेशन नंबर 7 एंड 8, 7 लिख दिया 8 लिख दिया 12y 12y एलिमिनेट, 9 प्लस 8 17x, 17x इक्वल टू 34, तो x इक्वल टू 34 अपॉन 17, 17 वंस जा 17 टू जा, x इक्वल टू 2, अब इसे हम इक्वेशन नंबर 5 या 6 इसे एक में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 5, देयरफॉर 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 टू जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इक्वल टू 4, देखो y इक्वल टू 1, 4 अपॉन 4 विच विल गिव यू 1, फाइनल आंसर, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y 2, 1, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा इस टाइप के जितने भी सम्स थे हमने सारे के सारे क्या कर दिए, कवर, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे।